आप देख रहे हैं AR न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का AR न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज़हरा शेख। खबरें विस्तार से जानेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मजबूरी में टायरों व घी शक्कर से किया अंतिम संस्कार, शमशान में नहीं था टिन शेड, बारिश के कारण गीली थी लकड़ियां, ग्रामीणों में है गुस्सा। आरएनटी कॉलेज के नर्सिंग छात्रों ने कलेक्ट्री पर किया प्रदर्शन, चुनाव प्रक्रिया नहीं होने पर जताया विरोध। छात्र संघ चुनाव से पहले हुआ छात्र संवाद, एनएसयूआई के दो प्रत्याशी समेत चार प्रत्याशी पहुंचे कार्यक्रम में। एडिशनल एसपी ने विभिन्न कॉलेजों के प्रत्याशियों से की वार्ता, कहा जो लिंग दोह कमेटी के नियमों की करेगा अवहेलना उसके खिलाफ होगी कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं अंतिम संस्कार की। राजसमंद जिले के रूपाखेड़ा गांव में मंगलवार को बुजुर्ग सगराम रेबारी की मौत हो गई। परिजन और ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंचे। इस दौरान रिमझिम बारिश का दौर जारी था, शमशान में टीन शेड नहीं थी, ऐसे में शव को खुले में रखना पड़ा। बारिश के कारण लकड़ियां भी गीली हो गई, ऐसे में परिजनों ने मजबूरी में टायरों व घी शक्कर से अंतिम संस्कार की रस्म को पूरा किया। अंतिम संस्कार के लिए रखी लकड़ियां गीली हो चुकी थी, उसमें धुआं उठ रहा था, किसी के पास छतरी थी तो कोई लाचारी से भीगता रहा। टायरों से बुजुर्ग का दाह संस्कार किया तो कई ग्रामीण ग्राम पंचायत पर भड़क भी उठे, कहा यह दिन भी देखना था, सोचा नहीं था किसी अपने को टायरों से जलाना पड़ेगा। गांव के पूर्व पंचायत समिति सदस्य कालूराम जाट ने कहा कि ग्रामीणों ने शमशान भूमि में टीन शेड लगाने के लिए पंचायत प्रशासन को कई बार कहा, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। मंगलवार को बारिश में अंतिम संस्कार करना पड़ा, इसमें 10 किलो घी शक्कर व 20 पुराने टायर काम में लिए गए। इसके बावजूद 4 घंटे में दाह संस्कार पूरा हुआ, इस दौरान ग्रामीण मौजूद रहे। आगामी 26 अगस्त को प्रदेश के विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में नामांकन के बाद उम्मीदवारों की तस्वीरें साफ हो गई है, लेकिन संभाग के सबसे बड़े आरएनटी कॉलेज के नर्सिंग छात्रों ने बुधवार को कॉलेज में चुनाव प्रक्रिया नहीं होने पर जिला कलेक्ट्री के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। नर्सिंग छात्रों का कहना है कि सोमवार को कॉलेज में चुनावी प्रक्रिया के तहत नामांकन होने थे, पर कॉलेज प्रशासन की लापरवाही के चलते नामांकन दाखिल नहीं हो पाए। दरअसल नामांकन संख्या अधिक होने के कारण कैशियर सत्यापित नहीं कर पाए एवं विभागाध्यक्ष के समक्ष पर अनुपलब्धता के कारण आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हो पाए। ऐसे में आवेदन पत्रों को भरने की प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पाई, इसी से छात्र नाराज हो गए और बुधवार को जिला कलेक्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पर मौके पर एडिशनल एसपी सिटी चंद्रशील ठाकुर सहित भारी पुलिस जाब्ता पहुंचा और छात्रों से समझाइश करने लगा। हम ये चाहते हैं, हमारे साथ 3 साल से चुनाव नहीं हुए, छात्र अध्यक्ष के चुनाव नहीं हुए, हमारे कॉलेज में कोई कमेटी नहीं है अभी, तो हम चुनाव चाहते थे, तो हमारे चुनाव के लिए 22 तारीख को नॉमिनेशन दिया गया था कि उम्मीदवारों का नॉमिनेशन दे दिया जाए, लेकिन बात यह हुई थी कि पहले 2 दिन पहले फॉर्म ले सकते थे, लेकिन तब हमें फॉर्म नहीं दिया गया। 22 तारीख को 10:30 बजे हमें नॉमिनेशन का फॉर्म दिया गया, जिसमें ये परेशानी हमें आई कैशियर की, उसमें कैशियर के साइन कराने होते हैं, एक बंदे के कैशियर के 8 रिसिप्ट होती हैं, फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक की रिसिप्ट होती हैं, एक कैशियर 8 रिसिप्ट को वेरीफाई करने में 15-20 मिनट लग रही थी, और नॉमिनेशन आए थे 117 नॉमिनेशन आए थे। तो हमारी बात ये थी कि एक कैशियर बैठा हुआ था, वो सबकी रिसिप्ट एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, सबकी वेरीफाई नहीं कर पा रहा था, और दूसरी बात पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के साइन लेने होते हैं, और इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, हर डिपार्टमेंट अलग अलग है, हर डिपार्टमेंट में जाने में टाइम लगता है, और डिपार्टमेंट में हम गए थे उधर अवेलेबिलिटी नहीं थी HODs की, उधर अवेलेबिलिटी नहीं थी, कुछ HODs वहाँ थे, कुछ HODs वहाँ नहीं थे, तो हमने HODs को फ़ोन किया, कोई अपने अपने डिपार्टमेंट में, मतलब कोई OTs में था, कोई अपना अपना काम कर रहे, मैं संबंधित काम में बिजी थे। हमने इस चीज़ को उनसे कहा कि हमारा 3 बजे बाद नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं होगा, तो उन्होंने हमारी बात को नहीं सुना,
वो अपने उसको करते रहे। 3 बजे बाद HOD आए, उन्होंने साइन करके दिया है, तब हम वहाँ अकेडमी ब्लॉक में गए अपने बात लेके, पर हमारा नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं किया। 3:02 पे भी हमारा नॉमिनेशन एक्सेप्ट नहीं किया गया है। उदयपुर में छात्र संघ चुनाव को लेकर सुखाड़िया विश्वविद्यालय में आयोजित छात्र संवाद महज औपचारिकता बनकर रह गया। विश्वविद्यालय प्रशासन के बुलावे के बावजूद बुधवार को NSUI के 2 प्रत्याशी समेत कुल 4 प्रत्याशी ही कार्यक्रम में पहुंचे। चौंकाने वाली बात यह रही कि छात्रों के बीच संवाद स्थापित करने के लिए हुए इस आयोजन में ABVP की ओर से किसी भी पद का प्रत्याशी नहीं आया। NSUI अध्यक्ष प्रत्याशी देव सोनी भी सबसे लास्ट में पहुंचे। चुनाव के दिन परिचय पत्र के बिना प्रवेश दिया जाएगा। 26 अगस्त और मतगणना दिवस 27 अगस्त को विश्वविद्यालय परिसर में बाहरी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। दरअसल 2 दिन बाद सुखाड़िया और MPUAT यूनिवर्सिटी के सभी संगठन कॉलेज के चुनाव होना है। मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव से पहले हर बार प्रत्याशियों और छात्रों प्रोफेसर की मौजूदगी में संवाद कार्यक्रम होता है। यूनिवर्सिटी गेस्ट हाउस सभागार में निर्धारित समय के अनुसार 11:30 बजे ये शुरू होना था, लेकिन छात्र नेताओं इंतजार के बाद 12:15 बजे कार्यक्रम शुरू हो पाया। 45 मिनट में सिर्फ 4 प्रत्याशियों ने अपनी बात रखी। NSUI से केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष प्रत्याशी देव सोनी भी सबसे लास्ट में पहुंचे। देव सोनी के अलावा NSUI के उपाध्यक्ष प्रत्याशी कांतिलाल मैडा, शोध प्रतिनिधि अनुभव बर्बर और राजू राम पुनिया आए थे। NSUI प्रत्याशी देव सोनी ने बताया कि वे आरोप प्रत्यारोप करने के लिए मंच पर नहीं आए, बल्कि सकारात्मक राजनीति को करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 2 साल बाद हो रहे इन चुनावों में नए स्टूडेंट्स के लिए ब्लैट पेपर को लेकर ज़्यादा जानकारी दी जानी चाहिए। यूनिवर्सिटी में रिक्त पड़े पदों को प्राथमिकता से भरा जाए, परिणाम और प्रवेश को नई रणनीति के तहत सुधार होना चाहिए। छात्र संघ चुनाव की तिथियां नजदीक आते ही सरगर्मियां तेज है। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए एडिशनल SP ने उदयपुर के विभिन्न कॉलेजों के प्रत्याशियों से वार्ता की और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने का निर्देश एडिशनल SP ने छात्रों से कहा कि अगर कोई भी अशांति लिंग दोहक कमेटी के नियमों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। 26 अगस्त को जो छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए आज सभी छात्र नेताओं की और जो इस इंतजाम में पुलिस प्रशासन लगा हुआ है उनकी बैठक यहाँ सभागार में रखी गई थी। बैठक के दौरान हमने जो मुख्य रूप से चर्चा की है वो चुनावों के दौरान इंतजाम को लेकर चर्चा है। जो वाहनों की एंट्री है किसी भी जो पोलिंग जहाँ होगी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में वहाँ पर अलाउड नहीं है। वाहनों की एंट्री बिल्कुल निषिद्ध रहेगी। करीब 100 मीटर दूर सारे वाहनों की पार्किंग की जाएगी। पार्किंग स्थलों का हम चयन कर रहे हैं कि किस कॉलेज की पार्किंग कहां पर की जाएगी। छात्रों को और उनके नेताओं को ये सूचित किया गया है, हम विभिन्न माध्यमों से सूचित कर रहे हैं ताकि वो असुविधा में नहीं पड़े और अपने जो वाहन हैं कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक लेकर नहीं आए और यथोचित स्थान पर उनको खड़ा करें। हमने इनको ये भी कहा है कि उस दिन कम से कम वाहन लाएँ और साथ में पूल करके वाहन शेयर करके आए। तो एक वाहनों के इशू के अलावा ये आपस में लड़े झगड़े नहीं, अगर किसी तरह की इनके विवाद है तो इसकी सूचना संबंधित पुलिस अधिकारियों को दें क्योंकि वो उपस्थित थे यहाँ पर आज। DST और धान मंडी थाना पुलिस ने कई दिनों तक गुजरात में डेरा जमाए रखा और आखिरकार सफलता हाथ लगी। आपको बता दें कि शहर के करीब 4 से 5 थाना क्षेत्रों में व्यापारियों के साथ ठगी हुई थी। एक साथी ठग ने शहर के व्यापारियों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए का सामान ले लिया और फर्जी चेक थमाकर फरार हो गया। 156 कुर्सियां श्री श्याम मार्केटिंग से 95,000 रुपए के 24 पंखे और 12 गीजर और दीपक दाधिच फर्म से 1,47,000 रुपए के वायर खरीद कर कुल 7,47,000 रुपए की ठगी की है। इस घटना के बाद से ही व्यापारी ने अशोकनगर स्थित उसके ऑफिस से बोर्ड भी हटाया और ताला जड़कर फरार हो गया। व्यापारियों ने घटना के बाद शहर के अलग अलग थानों में मामला दर्ज कराए थे। फिलहाल पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए एक तरह का मामला आया था जिसमें कुछ ठगों के द्वारा व्यापारियों से सामान ठग के और उनको झूठे चेक्स देके और ठगी करने का मामला सामने आया था जिसमें रातों रात सामान लेके लोग फरार हो गए थे। उस पर हमारी टीम ने काम किया है, DST टीम, धान मंडी टीम और वन पार्टी, और 2 लोगों को उस पर पकड़ा है। इसमें तकरीबन 15 से 18 लाख तक का माल गया है
30 से ज़्यादा लोगों के साथ ठगी हुई है और दो लोग की ठगी करने वाले उनको और मार्ग को दस्तियाब किया गया है अहमदाबाद बड़ौदा वापी वगैरह से। राजसमंद में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी आज चारभुजा दर्शनाथ जाते हुए समय कुछ देर के लिए राजसमंद रुके। यहां राजसमंद भाजपा जिला अध्यक्ष मान सिंह बारहट के नेतृत्व में दुर्गा कुंड पर कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष नर्मदा शंकर पालीवाल बनाम टुकड़ा, सरपंच लहरी लाल देवे, राणा राज सिंह मंडल अध्यक्ष गणेश पालीवाल सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसके बाद सांसद सीपी जोशी गढ़बोर राजभुजा नाथ पहुंचे। वहां उन्होंने चारभुजा नाथ के दर्शन किए और देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। मजबूरी में टायरों व घी शक्कर से किया अंतिम संस्कार। शमशान में नहीं था टिन शेड, बारिश के कारण गीली थी लकड़ियां, ग्रामीणों में है गुस्सा। आरएनटी कॉलेज के नर्सिंग छात्रों ने कलेक्ट्री पर किया प्रदर्शन, चुनाव प्रक्रिया नहीं होने पर जताया विरोध। संघ चुनाव से पहले हुआ छात्र संवाद, एनएसयूआई के दो प्रत्याशी समेत चार प्रत्याशी पहुंचे कार्यक्रम में। एडिशनल एसपी ने विभिन्न कॉलेजों के प्रत्याशियों से की वार्ता, कहा जो लिंग दोह कमेटी के नियमों की करेगा अवहेलना उसके खिलाफ होगी कार्रवाई। तो दीजिए इजाजत जहरा शेख को और खबरों के लिए देखते रहे एआर न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं एआर न्यूज।